उधर ईद से ठीक पहले ईरान और इसराइल के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। ईरान की जंग की रणनीति साफ होती हुई दिख रही है और आशंका है कि वो इसराइल पर ड्रोन से अटैक करने की तैयारी में है। और ये शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि ईरान ने अपनी सेना को 200 से ज्यादा नए ड्रोन दिए हैं। यानी इसराइल को मिट्टी में मिलाने के लिए ईरान किसी मिसाइल या बम पर नहीं बल्कि ड्रोन पर दांव लगा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ भी कहते हैं कि ईरान के हथियारों के जखीरे में ड्रोन भी उतने ही अहम है जितना कि न्यूक्लियर बम, और न्यूक्लियर बम के दम का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो सोचिए कि ईरान के ड्रोन कितनी तबाही मचा सकते हैं। यूक्रेन की जंग में ईरान के शाहिद ड्रोन अपना लोहा मनवा ही चुके हैं। उन्होंने यूक्रेन पर इतने वार किए कि जंग में रूस का पलड़ा भारी कर दिया। इसी वजह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ईरान के ड्रोन प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन ईरान पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। और अब ईरान ने अपनी फौज को 200 से ज्यादा ड्रोन सौंपकर जता दिया कि इसराइल से जंग छिड़ने पर उस पर ड्रोन ही सबसे पहले पटेंगे, और वो भी ऐसे ड्रोन जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर होंगे। इसराइल और ईरान एक दूसरे से मिलू दूर हैं, और ईरान के नए ड्रोन भी लंबी रेंज के हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि वो इसराइल की जासूसी भी कर पाएंगे और उस पर वार भी कर सकेंगे। इस नए ड्रोन में मिसाइलें फिट हो जाएंगी जिससे ईरान हवा से हवा और हवा से जमीन पर धावा बोल सकेगा। ड्रोन बनाने में ईरान इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिका भी डरा हुआ है। उसके रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान को अभी नहीं रोका गया तो फिर कभी भी नहीं रोका जा सकेगा। और अभी सबसे बड़ा खतरा इसराइल पर है जो कि अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान जैसे ईरान के पड़ोसियों से दोस्ती कर रहा है और सीरिया जैसे ईरान के दोस्तों पर हमला करने में लगा है। ऐसे में ईरान ने भी दिखा दिया कि उसका गुस्सा भी ठंडा नहीं पड़ा है और उसने अपनी फौज को घातक ड्रोन देकर अपने तेवर दिखा दिए। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस ड्रोन डिलीवरी की टाइमिंग, ईरान ने ईद से ठीक पहले अपनी सेना को ड्रोन दिए, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि हाल ही में इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईरान के हौसले काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। इसी वजह से उसने इसराइल सरकार को बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी कि रमजान का महीना खत्म होते ही इसराइल की जंग हो सकती है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि उन्हें सऊदी अरब पर पूरा भरोसा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले कट्टर दुश्मन माने जाने वाले सऊदी अरब और ईरान के बीच नजदीकियां बढ़ने से नेतन्याहू परेशान थे, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। पर उनके दोस्त सऊदी अरब के ईरान से हाथ मिलाते ही खेल बदल गया, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि इसराइल और सऊदी अरब के रिश्तों में भी खटास आ सकती है। लेकिन अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इस पर अपना रुख साफ कर दिया और ये दावा किया गया कि ईरान की सऊदी अरब से नजदीकी होने के बावजूद उनके रिश्ते सऊदी अरब से वैसे ही रहेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि इसराइल जानता है कि उसके दोस्त कौन है और उनसे उन्हें दोस्ती कैसे निभानी है। मतलब ये कि नेतन्याहू को इस नई दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब भी उन्हीं की तरह आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने वाला देश है। यानी जिस तरह इसराइल फिलिस्तीन में मौजूद चरमपंथी संगठनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वैसे ही सऊदी अरब भी आतंकियों को नहीं बख्शने वाला। नेतन्याहू ने दावा किया कि सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बहुत छोटे मकसद के लिए बने हैं, जबकि इसराइल और सऊदी अरब का रिश्ता इसके मुकाबले काफी मजबूत है। नेतन्याहू का मानना है कि सऊदी अरब ने ईरान से रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पश्चिम एशिया में यमन को कुचलने के लिए किया है। हालांकि कुछ दिन पहले जब सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती की बात सामने आई थी तो नेतन्याहू इस पर नाराज बताए गए थे।